भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले आओ पहले पाओ, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले आओ पहले पाओ, सस्ता सबसे अच्छा। चमत्कार चीज दिखाऊंगा। लेकिन भाई इस वीडियो से हिलना मत, लाइक करे, सब्सक्राइब करके शेयर करना ना बोले। हमारा प्ले स्टोर में बिकेट आ गया, उसे जरूर लोड करें। लेकिन मैं कॉलम दिखाऊंगा, रेट भी बताऊंगा। सोचते रहोगे और सोचोगे जो भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतना बढ़िया जोड़ी, बढ़िया कॉलम इसलिए बनाया, 2022 आ गया, 2022 सबका अच्छी तरह से कटे और सही सामान लेके जाए। देखो कितनी सुंदर कॉलम है, कॉलम में दिल आ जाएगा। आप कहोगे यही कॉलम चाहिए, किसी का नहीं चाहिए। देखा इसकी जो बनावट बनाया मैंने, इतना खूबसूरत, किसी के भी घर में जाएगा, चाहे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, कहीं भी लगेगा, कथा भागवत में या जलसा करोगे वहां पे, तो ये कॉलम बिल्कुल देखेगा आदमी और आवाज भी सुनेगा इसका। इसमें 200 वाट और टूटर लगा हुआ है, बढ़िया क्वालिटी का, ये कमल बाड़ी में है। लेकिन इसका 8,500 रुपये रेट है भाई, 8,500 रुपये रेट है। आप सुनो और फिर लेके जाओ, और बढ़िया चीज है, बढ़िया साउंड है। ये कॉलम देखो, ये और बिल्कुल सुंदरता, और कितना बढ़िया कॉलम, बिल्कुल सफाई से बना हुआ है, देखने में अच्छा, चलने में अच्छा, और पेट बाड़ी में पानी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, कोई परेशानी नहीं है, ये चलने में सुपर हिट धमाल है। लेकिन ये 200 वाट स्पीकर, 200 वाट स्पीकर और इसमें टूटर लगा हुआ है, जोड़ी नंबर वन। ये भाई 8,500 रुपये रेट है, आज भी रखा हूँ और कल भी रखूंगा। ये कॉलम देखो, इसकी हालात बताएगा, ये सबसे निराली, मनचाहा सामान, मनचाहा चीज आपको मिल सकता है भारत किंग में ही। ये देखो नीला कॉलम है, लेकिन इसकी जो बनाया मैंने बहुत ही शानदार और देखने में भी सुंदर, और इसमें 200 वाट चीज लगा हुआ है और टूटर लगा हुआ है, और 3.5 फुट इसका हाइट है। बहुत ही अच्छी बात है ना, तो कहीं भी चलेगा तो दिखाएगा ना रंग अपना। तो भाई ये 10,500 रुपये रेट है इसका, भाई 10,500 इसका रेट है। बहुत ही बढ़िया साउंड है, बढ़िया चीज है। ये कॉलम आ गया फिर जबरदस्त, इसके किसी भी आगे लगा दोगे तो कोई भी कहेगा ये इतनी सुंदरता कॉलम में किसका है, तो भारत किंग का ही है, किसी का नहीं हो सकता। हर एक मॉडल, हर एक चीज, मनचाहा सामान, मनचाहा चीज भारत किंग के पास ही मिलेगा भाई, किसी के पास नहीं। इसका भी 10,500 रुपये रेट है, लेकिन इसके बनाया मैंने बहुत अच्छी तरह से, और पेंट बाड़ी में है, मारोगे बच्चे खेलेगा कूदेगा इसके ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। बोलो इसे जो बनाया, जो इसको बनावट है, कहीं पे भी छोड़ दोगे तो वहीं पे कहेगा ये भाई भारत किंग का सामान है और बढ़िया चलता है। ये कॉलम गुरुद्वारा में लगाओ, मंदिर में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, कथा भागवत में लगाओ, या फिर जलसा में चलेगा, तो कॉलम भी देखेगा और आपको भी जरूर देखेंगे। तो ये कॉलम आ गया, जबरदस्त चीज है, और इसका हाइट बहुत ऊंचा है, और देखने में बिल्कुल सॉलिड है। आप कहोगे जो आ गया भाई ताजमहल जैसे कॉलम सबसे ऊंचा। ये कॉलम 4 फुट ऊंचा है, इसमें 12 इंची 3 है, 1, 2, 3 स्पीकर है, और इसमें हैश लगा हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है ना भाई, जो 4 फुट ऊंचा कॉलम है और कहीं पे खड़ा हो तो दिखाई दे जो कॉलम बनाया भारत किंग ने, अच्छा क्वालिटी का और मजबूत चीज। यही कहता है जो 3.5 फुट 4 फुट कॉलम जहां भी रहेगा वहां पे दूर से दिखाई देगा जब एक कॉलम चलता है, तो बढ़िया किसका है, भारत किंग का है। ये देखो ये कॉलम 13,500 रुपये का रेट है, लेकिन इसमें 3,500 स्पीकर है और टूटर भी लगा हुआ है। जहां चलता है ना वहां पे धूल उड़ता है, दुनिया कहता है कि भाई भारत किंग का सामान बिल्कुल नंबर वन। आप लोगों को पता है जो इसके ये मॉडल देखो, फिर ये मॉडल देखो, फिर ये मॉडल देखो, फिर ये मॉडल देखो, फिर ये मॉडल देखो, आप देखो पहाड़ जैसे कॉलम लगा हुआ है सामने। जो आप कहते थे ना ये भारत किंग का कॉलम सबसे ऊंचा, बड़े धमाकेदार, कच्चा ना हिले, बनियान ना हिले, तो हम ना कॉलम ना ले। तो ये कहता हूँ भारत किंग आप लोगों के लिए सोच समझ के सामान बनाता है, एक गरीब आदमी हो गरीब के लिए सामान बनाता है, सारो जिंदगी यही काम करता हूँ मैं, और कम से 35-40 साल से काम करता हूँ। ये भारत किंग में आए सामान लेके जाए, कॉलम देखो पहाड़ जैसे लगा हुआ है। आप लोग कहते ना जो कॉलम हो इतना ऊंचा दिखाई दे सर ऊंचा करके, हमारा कॉलम इतना ऊंचा होता है ना, आपको सर ऊंचा करने पड़ेगा और वो देखेगा ऊपर से, इतना बड़े बड़े कॉलम, बहुत ही पावरफुल कॉलम है और मजबूत कॉलम है। और आप लोग एक बात ध्यान से लोड करें कीजिए भाई, प्ले स्टोर में बीके ताज को लोड जरूर करें और गरीब आदमी का भला करें। गरीब आदमी कौन है, जो भाई जो काम नहीं कर पाते हैं, बुजुर्ग है, परेशान है, जो हम कमाते हैं पैसे, तो उसमें हम एक रेडियो जरूर उसको देने के लिए क्षमता रखते हैं। रेडियो कहाँ है भाई,
आपको मैं रेडियो दिखाता हूँ, कहाँ छुप गया उसको मैं ढूंढ रहा हूँ भाई। ये मिल गया है रेडियो, ये रेडियो जरूर मिलेगा जिस भाई को, वो भाई जरूर कहेंगे और आपको दुआई देगा। कोई अपाहिज जो कोई इस तरह का काम नहीं कर पाता है, जो 80-90 साल के बुजुर्ग है उसको एक रेडियो में जरूर देता हूँ। तो रेडियो देने का मतलब क्या है, जो आप लोग जो प्ले स्टोर लोड करते हो, जो भी यूट्यूब चैनल में पैसा आता है उसको मैं ये 700 रुपए का रेडियो मुफ्त देता हूँ। जो भाई आपको भी दुआ मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान को दुआ मिलेंगे। फिर आप लोग एक फकीर को यदि 1 रुपए देते हो तो उम्मीद रखते हो ये दुआ मिलना है। इसी तरह किसी भाई को हम यदि देते हैं वो दुआ देता है और वो दुआ आप तक भी पहुंचता है, इसलिए जो आपने भी प्ले स्टोर लोड कर रखे हो। लोड करने वाले को सलाम करता हूँ और गरीब आदमी को आगे बढ़ाया तो आप भी आज जरूर आगे बढ़ोगे, इसलिए किसी गरीब को किसी अपाहिज का ये रेडियो जाएगा। आपको सलाम करता हूँ। कोई भी बहन हो जो काम नहीं कर पाती है, चल नहीं पाती है, उसको भी ये रेडियो मुफ्त है। जो भी लेके आएगा साथ में उसको एक रेडियो जरूर मुफ्त मिलेगा। जय भारत, भारत की जिंदाबाद। प्ले स्टोर को लोड करना ना भूले। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहला बहुत सस्ता सबसे अच्छा। बहुत ही खुशी की बात है, प्ले स्टोर में बीके ताज आ गया। प्ले स्टोर में बीके ताज आ गया। बीके ताज लोड करने वाले को 10 आदमी लोड करेगा एक रेडियो फ्री मिलेगा। और खुशी की बात है, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, उसको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा ये रेडियो। आप लोग किसी का भी घर में हो, कोई भी हो, यहाँ पे आ सकता है, रेडियो इनाम में पा सकता है। जो भी प्ले स्टोर में कमाई होता है या हमारा यूट्यूब चैनल में, तो मैं उसको एक रेडियो फ्री देता हूँ, जिस तरह अपाइज है। बहुत ही खुशी की बात है, जो आप लोग प्ले स्टोर में आ गया बीके ताज लोड करें और अपना दुआ पाए। दुआ मिलने वालों को भी सलाम और जो प्ले स्टोर में लोड करेगा बीके ताज को उसको भी सलाम करता हूँ। अब पूरे देश को सबसे पहले सलाम करता हूँ मैं, जो बीके ताज आ गया प्ले स्टोर में और उसको लोड करे। जिस भाई को ये हम देंगे फ्री में ये रेडियो, वो भाई आपको दुआ मिलेगा, आपका दुआ मिलेंगे। हम लोग एक फकीर आदमी को पैसा देते हैं, सोचते हैं कि दुआ मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। वो हमारा काम है, आपका काम है। मेरे पास यदि थोड़ा सा भी पैसा आता है तो ये 700 रुपए का रेडियो मैं मुफ्त देता हूँ। और कोई भी भाई बहन हो इस तरह का परेशानी में, तो रेडियो मेरे से ले जा सकता है और ले जाएंगे तो मेरे को भी दुआ मिलेगा और जो प्ले स्टोर लोड करता है बीके ताज को उसको भी दुआ मिलेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग प्ले स्टोर लोड करना ना भूले और बीके ताज को लोड करना ना भूले। प्ले स्टोर में बीके ताज आ गया, सबसे पहले उसको लोड करो और किसी गरीब को जाएगा तो आपको दुआ ही मिलेगा। जय भारत, भारत की जिंदाबाद। और आप लोग ध्यान से सुने, ये रेडियो किसी भी भाई को मिलेगा, 10 आदमी लोज लोड कर लेंगे और मेरे को साबित करेगा, 10 आदमी को लोड करके मैं साबित कर दिया तो आपको एक रेडियो जरूर मुफ्त मिलेगा। जय भारत की जिंदाबाद। प्ले स्टोर में बीके ताज आ गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहले बहुत सस्ता सबसे अच्छा। आज मैं एड्रेस बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कहने सुनना। आप लोग परेशान रहते हो भारत किंग को ढूंढने के लिए, आपको दिल में दिमाग में बैठा हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही खुशी की बात है। जो आप लोग दिल्ली में हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और कहीं से भी आओगे तो दिल्ली में आने के बाद ऑटो वाले को बोलना, भैया मेरे को जाना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तम नगर पूरब। मेट्रो में बैठोगे, मेट्रो से भी बोलना कि मेट्रो वालों को टिकट जो काटता है, जाना है उत्तम नगर पूरब। या फिर बस में बैठोगे, कंडक्टर से पूछना कि मेरे जाना है उत्तम नगर पूरब। उत्तम नगर पूरब आने के बाद नाले किनारे में ऑटो मिलता है और 20 रुपये किराया लेगा। आप आशीर्वाद नर्सिंग होम, अर्धिक नर्सिंग होम, या फिर बालाजी रोड बुद्ध बाजार, या फिर मुरली समोसा के पास आपको छोड़ देगा। मेरा दुकान वहीं पे है, आओगे तो दिल से दुआ देता हूँ। जब आओगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आने के बाद चाय पीने जरूर मिलेगा और ठंडा पानी जरूर मिलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गरीब जरूर है और इस गरीब चेहरा को देखें और जरूर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भागना शुरू कर दें। जल्दी आए और जल्दी पाए। और डीजे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेशन में है, डीजे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेशन में है। ये बिहार का है, कटिहार के रहने वाला। आप कहाँ के हो? बिहार के मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में तो डीजे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डाला तभी आ पाया, नहीं तो आ नहीं पाता। नीरज नाम का, अरे बहुत दिल से चाहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, तभी इतना दूर आ गया है। जय भारत, भारत की जिंदाबाद। सब खुश रहे, आबाद रहे और परिवार के साथ रहे और मम्मी पापा का सेवा करना ना भूले।